हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज सतीश जांगिर फ्रॉम श्री दिगंबर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दौसा। टुडे नाउ आई विल बी डिस्कस ऑफ कॉन्जुगेट बीम मेथड इन स्ट्रक्चर एनालिसिस। फर्स्ट कॉन्जुगेट बीम मेथड, this method is versatile use because it is solve the problem very fast. In conjugate beam method, first we will discuss about relation between load and shear force, bending moment and load, slope and moment. First, partially derivative of shear force with respect to dx equal to w load d2 mdx square equal to w d theta upon dx equal to m upon ei d2b dx square upon equal to m upon ea. Now integrate v equal to w into dx and m equal to double integration of w dx into dx. Now theta equal to m upon ea integration dx. Now v equal to double integration of m upon ai dx into dx. तो फर्स्ट अपन को क्या करना है कॉन्जुगेट बीम मेथड के अंदर, कि जो भी आपकी बीम है उसको कॉन्जुगेट बीम में कन्वर्ट करना है। उसके लिए मैं जो भी इसके कंडीशन है बताएंगे। उसके बाद उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाएगा कॉन्जुगेट बीम का। उसके बाद में जो शेयर फोर्स की वैल्यू होगी वो आपके थीटा के बराबर होगी, और जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होगी वो आपके डिफ्लेक्शन के बराबर होगी। फर्स्ट आपको ये डायग्राम दिखा दे रहा है जिसमें आपके ये एक बीम है जो रियल बीम, इसको अपन कॉन्जुगेट में कन्वर्ट करेंगे। तो एम अपन ये डायग्राम बनाएंगे। फर्स्ट अपन कन्वर्ट करना सीखेंगे कॉन्जुगेट बीम से रियल बीम से कॉन्जुगेट बीम के अंदर। ये कुछ रियल बीम्स हैं जिनको कॉन्जुगेट बीम में कन्वर्ट किया गया है। जैसे फर्स्ट है आपका पिन जॉइंट, आपको उसको पिन में ही कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट आपका रोलर सपोर्ट है, रोलर को आपको कॉन्जुगेट में भी रोलर रहेगा। बट आपका यदि फिक्स सपोर्ट है वो फिक्स सपोर्ट आपका फ्री में हो जाएगा, और फ्री है तो आपका फिक्स सपोर्ट में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो पहला पिन जॉइंट है वहाँ पर थीटा की वैल्यू कुछ होगी, और जो डेल्टा है वो आपका क्या होगा, जीरो। सिमिलर जो डेल्टा है वो किसके बराबर होता है, मोमेंट के बराबर होता है। आपका यहाँ मोमेंट जीरो हो जाएगा और शेयर फोर्स की कुछ वैल्यू होगी, तो वो रियल बीम के डिफ्लेक्शन के बराबर होगी। नेक्स्ट आपके इंटरनल पिन है, इंटरनल पिन को हिंज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यदि इंटरनल रोलर है तो उसको भी हिंज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। हिंज है उसको इंटरनल रोलर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये कुछ रियल बीम्स के उदाहरण हैं जिसको कन्वर्ट किया गया है। ये आपके रियल बीम है, एक इसका एंड हिंज है, दूसरा रोलर है। हिंज आपका हिंज में ही रहेगा, रोलर भी आपका रोलर में ही रहेगा। फिक्स है उसको फ्री हो जाएगा, और फ्री का फिक्स हो जाएगा, जस्ट दोनों रिवर्स हो जाते हैं हिंज और रोलर। अब हिंज का आपका हिंज ही रहेगा, रोलर है तो आपका इंटरनल हिंज हो जाएगा। इंटरनल हिंज है तो आपका रोलर हो जाएगा, रोलर है आपका रोलर ही रहेगा, हिंज आपका फ्री हो जाएगा। नेक्स्ट आपके फिक्स है फ्री हो जाएगा,
रोलर है, हिंज हो जाएगा, हिंज है, रोलर हो जाएगा, और हिंज का आपका हिंज सपोर्ट रहेगा। तो इस टाइप से हम रियल बीम्स को कॉन्जुगेट बीम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको अपन एग्जांपल के थ्रू आसानी से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, फाइंड द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन टेक ई इक्वल टू 200 जीपीए एंड आई इक्वल टू 60 × 10^6। कुछ वैल्यू दे रखी है, लोड अप्लाइड कर रखा है, यहाँ पर 5 kN है, ये लेंथ है बीम की 15 फीट, यहाँ पर आपके जो 5 kN लोड अपर डायरेक्शन में रिएक्शन लगेगी, मोमेंट की वैल्यू होगी वो 15 kN × ft होगी, क्योंकि जो पॉइंट लोड है 5 kN वो किस पर पूरा मोमेंट किस पर कैरी करेगा, फिक्स एंड पर। तो सबसे पहले आपके जो रियल बीम है, इस रियल बीम को कन्वर्ट करना है किसमें, कंजुगेट बीम में। रियल बीम आपका फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट क्या हो जाएगा आपका, फ्री हो जाएगा, और जो फ्री है वो क्या हो जाएगा आपका, फिक्स सपोर्ट हो जाएगा। तो ये आपके हो जाएगी कंजुगेट बीम। अब जो रियल बीम है उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या है, ये 15 × 5 75 kN newton × ft, ये इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। ये कंजुगेट बीम हो गया। कंजुगेट बीम के ऊपर एम अपन ई आई डायग्राम में अप्लाई कर देंगे, यानी कि एम की वैल्यू 75 है, उसको ई आई से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब जो आपके स्लोप होगा और जो डिफ्लेक्शन होगा वो बी पॉइंट पर होगा। अब बी पॉइंट पर यहाँ पर जो शेयर फोर्स होगा वो तो आपके स्लोप के बराबर हो जाएगा, और बी पॉइंट पर जो बेंडिंग मोमेंट होगा इस कंजुगेट बीम का वो आपका डिफ्लेक्शन के बराबर हो जाएगा। तो फर्स्ट, थीटा वी इक्वल टू शेयर फोर्स एट पॉइंट वी इक्वल टू बी वी डैश। अब शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, फर्स्ट इसका अपन एरिया कैलकुलेट करेंगे। इसका एरिया कितना आएगा, वो इसको लेंथ से मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पर शेयर फोर्स, पूरा शेयर फोर्स किस पॉइंट पर आएगा, बी पॉइंट पर आएगा। इसका एरिया 15 × 75 अपॉन ई आई, देन शेयर फोर्स एट पॉइंट बी इक्वल टू -562.5 अपॉन ई आई। अब ये माइनस साइन क्यों आया है यहाँ पर, कि सेक्शन के राइट साइड में अपवर्ड फोर्स को अपन क्या लेते हैं, नेगेटिव, और लेफ्ट साइड में अपवर्ड फोर्स को क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ से आपका जो शेयर फोर्स है वो क्या है, नेगेटिव। देन नेक्स्ट, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी, जो डिफ्लेक्शन आपका बी पॉइंट पर है वो किसके बराबर होगा, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी। अब बी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है एम अपन ई आई डायग्राम है, सबसे पहले उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, और जिस पॉइंट सी जी पर एक्ट कर रहा है उस सी जी से इसको मल्टीप्लाई करके, टोटल लेंथ को बी पॉइंट के अबाउट मल्टीप्लाई करके, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 15 + 2/3 × 15, 2/3 × 15, देन 10 10 + 15 = 25, देन टोटल लोड 562.5 / AI × 25, देन कैलकुलेट दिस वैल्यू इक्वल टू 14062.5 / EI। दिस साइन इज टेकन माइनस बिकॉज डिफ्लेक्शन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल,
डिटरमाइन द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए ऑफ द कैंटिलीवर बीम ए बी ऑफ लेंथ एल एंड यूनिफॉर्म फ्लेक्चरल रिजिडिटी ई आई कॉन्स्टेंट. ए कंसेंट्रेट फोर्स पी इज अप्लाइड एट द फ्री एंड ऑफ बीम. आपके कैंटिलीवर बीम है जिस पर पी पॉइंट लोड फ्री एंड पर एक्ट कर रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे. बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या बनेगा इसका, ट्रायंगल. बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या बनेगा इसका, ट्रायंगल. उसके बाद में आपने इस बीम रियल बीम को किस में कन्वर्ट कर दिया, कंजुगेट बीम में. फिक्स सपोर्ट को फ्री कर दिया और फ्री को फिक्स कर दिया. तो ये हो गया आपका एम अपॉन ई आई डायग्राम फॉर कंजुगेट बीम. पी एल को डिवाइड कर दिया ई आई से. नाउ कंजुगेट बीम एडिशनल बीम कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एक्चुअल बीम. नाउ आई विल फाइंड द बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए एंड शेयर फोर्स एट पॉइंट ए इज इक्वल टू स्लोप एट पॉइंट ए. नाउ वी टेक ए साइन. बेंडिंग मोमेंट इज टेकन क्लॉक वाइज एम ए एंड शेयर फोर्स इज टेकन डाउनवर्ड डायरेक्शन. दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ कॉन्जुगेट बीम. दिस ऑर्डिनेट पी एल अपॉन ई आई. दिस डायग्राम ऑफ द डिफ्लेक्शन इन कैंटिलीवर बीम विच इज ए रियल बीम. दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल ए एंड दिस इज द स्लोप टेंजेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू थीटा ए. नाउ द सॉल्यूशन ऑफ दिस बी ए इक्वल टू 1/2 इंटू एल इंटू पी एल अपॉन ई आई देन पी एल स्क्वायर अपॉन टू ई आई इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. नाउ एम ए इक्वल टू 1/2 इंटू एल इंटू पी एल अपॉन ई आई इंटू 2L अपॉन 3. 2L अपॉन 3 बिकॉज इज द सी जी ऑफ द CG of the triangle from the point A. Then this is the value of deflection at point A and this is the value of shear force of conjugate beam is equal to slope at point A of real beam. The slope at A, theta A, and the deflection delta A, del A at the free end A of the actual beam as shown in the above figure. We know very well about the slope and deflection for the cantilever beam when point load at the free ends is equal to slope equal to PL square upon 2i and deflection is equal to PL square upon 3 PL cube upon 3 EI. Then theta equal to PL square upon 2i is clockwise direction and the delta is equal to PL square upon PL cube upon 3i in downward direction. Note that del A point downward because MA causes tension in the bottom fiber of the beam at A and sagging moment